Happiness is not about getting all you want. It is about enjoying all you have. With this beautiful quote, let's begin this vlog. आज के इस व्लॉग में आपको लेके चलते हैं कराची के एक और न्यूली ओपन रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है चाय छत। तो प्लान हमने किया चाय छत का कि क्यों ना संडे की शाम यहाँ गुजारी जाए। एंड आवर विजिट टू दिस प्लेस टर्न्ड आउट टू बी फुल ऑफ सरप्राइजेस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चाय छत ही नहीं बल्कि और भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह थी। इट्स अ कम्प्लीट फैमिली प्लेस जहाँ पे बच्चे हों या बड़े, सभी का ख्याल रखा गया है और मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हैं। और ना सिर्फ ये, अगर आप शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे बाजार भी बना हुआ है। तो इस व्लॉग को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा बाजार और चाय छत। तो बाजार जिस तरह से होता है बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे ये बनाया गया है, मगर फर्क ये है कि आपको इस बाजार में इंटीरियर डेकोरेशन के हवाले से काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और बिल्कुल इसके सेंटर में बना हुआ ये रेस्टोरेंट और कुछ शॉप्स, जिस तरह अमूमन फूड कोर्ट्स के अंदर होता है कि एक ही जगह पर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स बने हुए होते हैं। रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ी जगह पे बना हुआ है और इसकी 2 से 3 एंट्रेंस हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं। बज़ाहिर बाहर से देख के आपको आइडिया नहीं होगा कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी जगह पे बना हुआ है। एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ चाय शाय के लिए आए थे, मगर आने के बाद पता चला दैट देयर इज़ अ वर्ल्ड इनसाइड दिस प्लेस। तो लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू हैबिट। इनफैक्ट इट इज़ ओन बाय द सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज कॉल्ड IBL ग्रुप। हैबिट भी इन्हीं का स्टोर है और उसके साथ जो स्टोर बना हुआ है उसके साथ ही इसकी एंट्रेंस मौजूद है। अंदर आने के बाद आपको यहाँ के लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये भूल भुलैया की तरह है। तो जनाब, फर्स्ट फ्लोर से होते हुए सेकेंड फ्लोर पर जब आप आएंगे तो आपको ये जगह दिखाई देगी जो कि चाय छत के नाम से मशहूर है और हाल ही में ओपन हुई है। अगर आप इस रेस्टोरेंट के एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात कर लें तो नो डाउट इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एंड डिज़ाइन रेस्टोरेंट्स इन कराची एट द मोमेंट। क्योंकि चाय ढाबे जनरली इतने फैंसी नहीं हुआ करते, इन्होंने मॉडर्न प्लस क्लासिकल ढाबे के कल्चर का बहुत अच्छा अमेलगमेशन बनाया है। दोनों ही चीज़ों का इतने अच्छे के साथ मर्ज किया है कि आपको हर एक एक कोने में कुछ ना कुछ इंटरैक्टिव दिखाई देगा। ख़ास तौर पर लगे हुए ये ज़बरदस्त शेर व शायरी से भरपूर बोर्ड्स, जहाँ पे ऐसे मज़े मज़े के शेर पढ़ने में आएंगे जो शायद आपने कभी ट्रक पे भी ना पढ़े हों। विदाउट अ डाउट हुएवर इज़ बिहाइंड दिस प्लेस हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। इनफैक्ट प्रेजेंटेशन के भी नंबर पूरे हैं, चाहे चाय हो या चाट, दोनों ही चीज़ों की प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त थी। इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हमें पापड़ भी सर्व किए गए। अलबत्ता ये थोड़ा प्राइजी है, मगर एम्बियंस के एतबार से अगर आप देखें तो इट वॉज टोटली वर्थ इट। ऐसी जगहों के हवाले से अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट एक्सपेक्ट नहीं करते, ख़ास तौर पे चाट, गोलगप्पे और इस तरह की चीज़ों में। तो इनके मेन्यू के अंदर स्ट्रीट फूड को ही हाईलाइट रखा गया है और आपको इसी तरह की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। अलबत्ता टेस्ट मुझे बस एवरेज लगा। रेस्टोरेंट की थीम की अगर बात कर ली जाए तो उसमें इन्होंने येलो, ब्लैक, ग्रे और टील ब्लू कलर का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। और यहाँ की हाईलाइट है ये शेड्स। तो अगर आप यहाँ पे दिन में आने का प्लान कर रहे हैं तो धूप से और गर्मी से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है। इनफैक्ट यहाँ की ओवरऑल थीम को खूबसूरत बनाने में इन शेड्स का बहुत अहम रोल है। बिल्डिंग के ओवरऑल आर्किटेक्चर को देख कर मेरे लिए ये जज करना मुश्किल था कि आया कि ये टोटली न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है या कोई पुराना घर है जिसको इन्होंने इस तरह से मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ मिक्स करके एक नई शक्ल दे दी है। तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, क्योंकि ये काफ़ी पुराना घर था जिसको इन्होंने इस खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया है और प्लान किया है कि आपको देखकर ये जज करना मुश्किल हो जाएगा कि ये नया बनाया गया है या पुरानी कोई बिल्डिंग है। चाय छत की एक छत तो आपने देख ली, मगर अब आपको यहाँ पर मौजूद और छतें भी दिखाते हैं। इट वॉज अनदर सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि जिस जगह पर हम बैठे हुए थे वहीं से थोड़ा आगे स्टेयर्स जा रही थी, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर चेक किया जाए। तो जब मैं ऊपर आया तो मुझे ये ज़बरदस्त छतें दिखाई दी, जो कि तकरीबन 4 छतें हैं और हर छत का अलग इंटीरियर और एक्सटीरियर है। दीज रूफ टॉप्स आर मोर लाइक अ प्राइवेट स्पेस। तो अगर आप बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, फ्रेंड्स या कोई फैमिली की गैदरिंग प्लान कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और तकरीबन एक छत पे 10 से 12 लोग इजीली अकोमोडेट किए जा सकते हैं।
अगर मैं इस रेस्टोरेंट को ओवरऑल रेट करूं, तो आई विल गिव इट 8 out of 10। और ये 8 नंबर सारे के सारे इस कॉन्सेप्ट और यहाँ के इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन के हैं। अनडाउटेडली दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट एंड अमेजिंग चाय प्लेस इन कराची। एम्बियंस के हवाले से अभी तक कराची में इस नौयत का कोई चाय रेस्टोरेंट नहीं बना है। अब आपको लेके चलते हैं चाय छत के बाद बाज़ार की जानेब। तो बाज़ार के सेंटर में ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से आपको यहाँ पे मौजूद और रेस्टोरेंट्स और जगहों की डायरेक्शंस मिलती हैं। तो बाज़ार के अंदर सबसे पहले जिस दुकान का रुख हमने किया वो थी फ्लोरिंग की ये दुकान, जहाँ पे आपको फ्लोरिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देखने में आएंगी। फिर चाहे वो कारपेट्स हों या रग्स, टाइल्स हों या विनाइल फ्लोरिंग, एक से एक अच्छे ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। मगर प्राइसेस की अगर आप बात कर लें तो जो थोड़ी बहुत प्राइसेस मैंने चेक की दे वर वेरी एक्सपेंसिव। उसकी शायद एक रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि ये एक सर्टेन नीश को कैटर करने के लिए जगह बनाई गई है, तो चीज़ें अगर खूबसूरत हैं तो पैसे भी उसी हिसाब से हैं। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेड स्टफ़ हेयर। टाइल्स की इतनी वाइड रेंज है कि आपके लिए शायद सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाए, मगर इनके पास ऑप्शंस दिखाने के लिए ख़त्म नहीं होंगे। आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज दिस कर्टन शॉप, जहाँ पे इन्होंने बहुत यूनिक स्टाइल में इन कर्टन्स को प्रेजेंट किया हुआ है, जिसको आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप अपने लाउंज, ड्राइंग रूम या बेडरूम्स में इनको लगाएंगे तो ये किस तरह से दिखाई देंगे। इनफैक्ट यहाँ पे सोफों का कपड़ा भी मौजूद है और बुक्स भी दी हुई हैं, सो दैट यू कैन डिसाइड देयर एंड देन कि आपको कौन सा कलर और फैब्रिक पसंद करना है। फ्लोरिंग और कर्टन्स के बाद बारी आ गई है वॉल आर्ट की। वॉल्स को किस तरह से डेकोरेट करना है उसके हवाले से यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको देखने में आएंगी, और कुछ ऐसी अमेजिंग पेंटिंग्स भी मैंने देखी जिनको देखकर दिल करा कि ये सारी की सारी ख़रीद लूँ। इन शॉप्स के अलावा यहाँ पे फैंसी लाइट्स की और एक पेंट शॉप भी मौजूद थी। तो घर को सजाने के लिए वो तमाम चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं यहाँ पे सारी की सारी अवेलेबल हैं। विद दिस इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट नाउ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।